राजसमंद जिले में हॉट सीट बन चुकी नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए हैं। खासतौर से कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी मैदान में डटे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने समर्थन में करने के प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से खमनौर ब्लॉक महिला अध्यक्ष कृष्णा माली के नेतृत्व में महिलाओं की टीम गांव-गांव ढाणी ढाणी जा रही है और लोगों को कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील की जा रही है। इसी के तहत उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा किया। कृष्णा माली के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अलग अलग गांवों में गए और वहां पर महिलाओं से मिले, ग्रामीणों से मिले और ख़ास तौर से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए ग्रामीणों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की विशेष अपील की है। इस तरह खास तौर से नाथद्वारा के एक होटल में विधानसभा अध्यक्ष व कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बताया और सभी कार्यकर्ताओं का कहा कि वे अपने गांव-गांव ढाणी ढाणी और बूथ स्तर पर जाकर ग्रामीणों को समझाएं और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान संवाद में कई कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर सीपी जोशी ने अब तक जो विकास कार्य करवाए नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में, वो उनका भी उन्होंने उल्लेख किया और डॉक्टर जोशी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में गांव ढाणी और ग्रामीणों को जाकर विकास की योजनाएं बताएं, विकास के कार्य बताएं और लोगों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर करें। और इस तरह ब्लॉक महिला कांग्रेस खमनौर कृष्णा माली के नेतृत्व में भी जो महिला दल हैं वो अलग अलग गांवों में जा रहा है, अलग अलग ढाणियों में जा रहा है और लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा माली ने बताया कि सलोदा, सगरूण, कुंठवा, गांवगुड़ा, जालों की मदार, मोलेला, सेमल, सेमा, उनवास, भाणुजा, फतेहपुर, सिसुदा, कोसीवाड़ा, मचिंद क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में जनसंपर्क किया और खास तौर से महिलाओं को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ में रत्ना सोनी, प्रियंका जोशी, जया माली, शिवानी सोनी, रेखा लोहार, संतोष, रेखा जटिया, गंगा देवी, सविता देवी, बबीता देवी, अंकिता, कंचन राजपूत, पूनम देवी, गायत्री पालीवाल, ममता गुजर आदि महिलाएँ उनके साथ में थी। इसी तरह भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़, वो आज रेलमगरा क्षेत्र के दौरे पर रहे और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही रेलमगरा क्षेत्र के विभिन्न गांव ढाणियों में पहुँचे। खास तौर से कोटड़ी, जो कि राजसमंद नाथद्वारा विधानसभा की अंतिम छोर की ग्राम पंचायत है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दरीबा में भी उनका भव्य ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और जगह जगह वो बाजार में गाँव में जाकर उन्होंने नन्नी मुन्नी बच्चियों से लेकर महिलाओं व ग्रामीणों से भी वो रूबरू हुए और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सभी ग्रामीणों से कहा कि वे भाजपा के पक्ष में वोट करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में गए तो वह महिलाओं से भी आत्मीयता से मुलाकात की और सभी ग्रामीणों से उन्होंने अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कोटली के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नुक्कड़ सभाएं ली, नुक्कड़ बैठकें ली और उस तरह ग्रामीणों से रूबरू हुए। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह हर एक विधानसभा के राजनीतिक अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।